शुक्रवार को विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन के अंतिम दिन सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर काफी गहमागहमी रही। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई बचे हुए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। नामांकन करने वाले रोहतासगढ़ विधानसभा से अपना दल और भाजपा से गठबंधन प्रत्याशी विनय वर्मा और इसी विधानसभा से इसी गठबंधन से 2017 में निर्वाचित विधायक अमर सिंह चौधरी ने आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन किया, जबकि बासी विधानसभा से नवीन उर्फ मोनू दुबे, कपिलवस्तु से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र उर्फ गुड्डू प्रमुख हैं। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए सोहतगढ़ ने अपना दल भाजपा गठबंधन प्रत्याशी विनय वर्मा ने कहा कि इस बार भी जीत उन्हीं के पार्टी की होगी और क्या कुछ कहा सुनिए। मैं चौधरी अमर सिंह 302 सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर सोहरतगढ़ विधानसभा से आज मैंने विधायक पद के प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार के रूप में आजाद समाज पार्टी से हमने नामांकन किया है। अच्छा, जाहिर है आप 5 साल विधायक रहे हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप किस जनता के बीच में जाएंगे? जनता का मुद्दा तो आप जानते हैं, चौथे स्तंभ से रहे हैं कि मैंने अपने 17 से लेकर 22 के कार्यकाल में तमाम मुद्दों पर सरकार में रहते हुए भी मैंने उठाया है। आप सब अवगत भी हैं, कुछ चीज़ें हल हुई हैं, कुछ और हल होनी है। अब की बार उसी मुद्दों को जो बाकी रह गए हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सिंचाई का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, तो उसको लेकर के तो हम ही हैं, हमको जानकारी है। अब की बार फिर सोहरतगढ़ की आवाम ने अगर मौका दिया तो जो शेष बचे हैं, जो मुद्दे अधूरे हैं, उनको पूरे। मेरा नाम विनय वर्मा है, अब सोहरतगढ़ के लिए विधानसभा 302 से प्रत्याशी बना हूं। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप यहां चुनाव में आए हैं? मुद्दा जो आप लोग बोलेंगे उस मुद्दे को पूरा करूंगा, मुझे तो सारे मुद्दे को ही पूरा करना है। और मुझे 5 साल के अंदर मैं ऐसा कहूँगा ये लोग मुझे जीवन भर अपना लें और मुझे छोड़े ना, वो रोड हो, वो शिक्षा हो, वो कोई भी चीज़ होगा, वो आप लोग खुद बोलें, जो मेरी जनता और मेरे लोग बोलेंगे, मैं अपने लोगों का सम्मान नहीं खोने दूंगा। आप जाहिर है अभी कल आप आए हैं यहाँ पे, वक्त कम है आपको, जाहिर है बहुत ही मतलब वक्त आपके पास बहुत कम है, ऐसे में कैसे आप सबको मैनेज करेंगे? काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, जिनको टिकट मिलना था उनको मिला नहीं है, उनको आपको मनाना है, क्षेत्र की जनता आपको जानती नहीं है, इतने कम वक्त में जनता कैसे आप जीतेंगे? यकीन मैं दिलाऊंगा, पहले मैं अपने लोगों जो रूठे हुए हैं उनको मनाऊंगा, आज पूरा रात यही चलेगा, उनको उनके साथ मैं जनता के बीच में जाऊंगा। आज जैसे अपना दल प्रत्याशी हूं मैं, फिर भाजपा का गठबंधन, निषाद का गठबंधन, ये सब लोग सपोर्टर और सब मिलजुल के मेरे को आगे पहुँचाएंगे और जब बढ़ाएंगे तो मैं आपसे विश्वास करता हूँ इसी 5 साल में आप, और हर साल को मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, जनता कितनी खुश है कितनी नाराज है ये आप तय करेंगे। विनय जी, जी एक नेता है जी, जो वहाँ से दावेदारी भी कर रहे थे, हेमंत चौधरी जी, वो जिन्होंने सिद्धार्थनगर जिले में अपना दल को ऊपर ले जाने में बड़ा काम किया, वो भी नाराज है, तो उनको मनाने के लिए आप क्या करेंगे? मैं जैसे ही उत्तर प्रदेश लखनऊ से सिंबल लेके निकला तो सबसे पहले मैंने हेमंत जी को फ़ोन करा, उनको प्रणाम करा। हेमंत जी लखनऊ में थे, वो कहते आप सिंबल आप प्रस्ताव भरिए, आप कंडक्ट आप करिए, मैं आ रहा हूँ और आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, और वो कहीं नाराज़गी नहीं, वो पार्टी के लिए खुल के करेंगे और हम लोग उनके साथ ही उन्हीं के उनके साथ मिलकर सारा काम करेंगे।